मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू की गई सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ ने विशेष रूप से सराहा है। यह योजना किशोरियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सैनिटरी नैपकिन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यूनिसेफ ने इस पहल को अनूठा बताते हुए सोशल मीडिया पर इसकी प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में इस योजना के तहत 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की। इस योजना के अंतर्गत 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये योजना स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को स्वच्छता के महत्व और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में जागरूक करना है। यूनिसेफ की सराहना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के किशोरों और बच्चों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता मिलने के लिए यूनिसेफ इंडिया और अनिल गुलाटी का हार्दिक धन्यवाद। साथ ही उन्होंने इस पहल को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी सभी सहयोगों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और महाविद्यालयों की छात्राओं के बीच स्वच्छता के महत्व और उनके उपायों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित की जा रही है। यह योजना मध्य प्रदेश के किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।